हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। यहाँ बच्चे करना क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर बड़े बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाएं, खूब बड़े सेंटेंस हो, हम सोच नहीं पाते कि कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैं आपको एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूं जिसके माध्यम से दुनिया किसी सेंटेंस को आप आसानी से सोच सकते हो, बना सकते हो, लिख सकते हो, कर सकते हो। तो करके देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस चाहे छोटा हो, चाहे सेंटेंस बड़ा हो, चाहे सेंटेंस तूफानी क्यों ना हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, आज से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि इसका टेक्निक हमने पहले भी आपको दिया होगा, आपने फॉलो नहीं किया होगा, फिर भी आपके कमेंट के अनुसार मैं फिर से बना रहा हूं एक बार फिर से। सबसे पहले सेंटेंस हमने पढ़ा, किसी भी देश के शहर में, शहर का मतलब टाउन कहो, शहर कहो, तो किसी भी देश के शहर में, टाउन में, सिटी में, तो किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब ये सेंटेंस देख के घबरा गए, यार पता नहीं कैसे बनेगा। कुछ मत करो, सबसे पहला काम करो कि जब भी तुम कोई भी सेंटेंस बोलोगे बाटा बेटा बाबू, छोटा हो या बड़ा हो, आप कोई भी सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करो, छोटा हो या बड़ा हो या तूफानी हो, सबसे पहला काम आप जब भी सेंटेंस बनाए तो उसमें कनेक्टर्स को ढूंढें। क्या ढूंढें? कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होता है? जो दो शब्दों को जोड़ता है। कनेक्टर्स क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ता है। कनेक्टर्स क्या होता है? जो दो क्लाउज को जोड़ता हो। हमने पढ़ा, पीछे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, न है, नहीं, अच्छी, बहुत, में। अब मैं वर्ड देखो, बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्या कर रहा है, मैं एक कनेक्टर से है। अब देखो क्षेत्र के क्या है, कनेक्टर से है। कनेक्टर्स का मतलब होता है, कनेक्टर्स का मतलब होता है प्रेपोजिशन, यानी जो आप प्रेपोजिशन लगाते हो, जो आप प्रेपोजिशन का यूज करते हो, चाहे इन हो, चाहे ऑफ हो, चाहे ऑन हो, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, कनेक्टर्स कहते हैं। तो कनेक्टर्स को सबसे पहले आप अंडरलाइन कर दें, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ें। तो के, अब देखो आपका शिक्षा स्थिति की, विद्यार्थियों में, फिर से मिला के। अब देखो जहां जहां हमने बॉक्स बनाया, ये सब है क्या? ये सब बेसिकली कनेक्टर्स है, और कनेक्टर्स अपने बगल वाले को जोड़ता है। तो जहां से कनेक्टर्स मिले उसको आप अंग्रेजी हमेशा पीछे से लेना। जा फिर सुन लो बात, जहां कनेक्टर्स मिल जाए वर्ड पे ध्यान देना है, जहां कनेक्टर्स मिल जाए वहां पीछे से चलना है। ये देखो कनेक्टर्स मिल गया कि नहीं मिल गया, में क्षेत्र, फिर मिल गया के। तो जहां पे कनेक्टर्स मिल जाए वहां का अंग्रेजी हम पीछे से बनाएंगे, बिल्कुल पीछे से बनाएंगे। जहां पे कनेक्टर्स मिल गया है हम पीछे से अंग्रेजी बनाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं। यानी कि बच क्या गया, बच गया स्थिति, बहुत, देखो स्थिति बच गया, बिल्कुल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी स्थिति किसी को जोड़ नहीं रहा। यहां पे क्या गया, किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति, स्थिति कौन है, विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, यानी क्या अच्छी नहीं है भाई, स्थिति। तो पहले क्या ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड। तो यहां पे ढूंढना ये है, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या अच्छी नहीं है, स्थिति। तो हम लोग क्या तलाशेंगे, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने कहा देखो गौर से, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने कर दिया कि द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अब देखा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, राइट। अब चलेंगे हम पीछे से, कहां भाई, इन। तो देखो पीछे से इन आ गया यहां पे, तो हमने कहा इन, क्षेत्र का अंग्रेजी फील्ड, तो इन द फील्ड, फिर बच गया के का के की का अंग्रेजी ऑफ, ऑफ मतलब का के की, में का अंग्रेजी इन, तो इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्थिति हो ही गया। अब की ऑफ क्या हो, विद्यार्थी, एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इन, इनका क्या हो गया, इन मतलब में, इन द टाउन,
इन द टाउन, ठीक है, शहर के का क्या हो गया ऑफ, फिर देश किसी भी देश के, तो किसी भी देश ऑफ एनी कंट्री। तो यहां पर देखा आपने, तो हमने कहा द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द टाउन ऑफ एनी कंट्री। तो इससे होगा क्या, मैं ये नहीं कहता कि एकमात्र यही बनेगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपको लिखना अंग्रेजी आ जाएगा। अगर आपने ऐसे चला तो आप चलना का प्रयास करोगे, इसको 10 तरह से बना सकते हैं अंग्रेजी, लेकिन मैं जो प्रोसेस दे रहा हूं वो सबसे आसान प्रोसेस है। इसके माध्यम से कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से आप लिख पाओगे। और भी हम एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। अब देखो सेंटेंस नंबर 2। अब मैं कहता क्या हूं वो सुनो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो बिना कनेक्टर्स का सेंटेंस नहीं होगा बेटा। एक चीज ऑलवेज माइंड दैट, बिना कनेक्टर्स का कोई सेंटेंस नहीं होगा। कनेक्टर्स होगा ही होगा बच्चे, क्योंकि कनेक्टर्स के बिना सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे भाई। पढ़ के देखो आप, मैं उस कोचिंग के, मैं उस स्कूल के, मैं उस कॉलेज के, जो मन करता हो, तो मैं उस कॉलेज के, अब के जब तक नहीं बोलोगे तब तक आगे कैसे जुड़ेगा। आप कह रहे हो सर अंग्रेजी नहीं आता, अब ना आएगा, बोले सोचो, तो मैं उस स्कूल के, मैं इस स्कूल के, मैं उस स्कूल के, मैं इस कॉलेज के, मैं उस कॉलेज के, अब के तो आना ही आना है। एक मेहनती शिक्षक का, तो मेरे शिक्षक का एक प्रिय छात्र था, छात्र हूं, तो जो मन करे बोल सकते हो, हूं बोलोगे तो इज एम आर, था बोलोगे तो वाज बेयर। तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाने से पहले आप क्या करो, एक काम करो, कनेक्टर्स को पकड़ लो। कनेक्टर्स को पकड़ करके बस उसको पीछे से चल चलो। देखो गौर से, सबसे पहले हमने पीछे से था को है कनेक्टर्स नहीं ना, छात्र है, नाउन है नहीं है, प्रिय नहीं है, एक आर्टिकल हो गया नहीं है, लेकिन का देखो मिला कि नहीं मिला, तो का शिक्षक, कॉपी कर निकालो, पढ़ना शुरू करो, तो का मेहनती, देखो एक मेहनती शिक्षक का मिल गया, फिर से के, राइट, तो जहां से मिल गया वहां से अंग्रेजी चलेंगे हम, कहां से, पीछे से, जहां से मिल गया। ये मेथड बहुत ही यूनिक है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो गया। बच क्या गया भाई, देखो मैं एक प्रिय छात्र था, ये बच गया, तो मैं एक प्रिय छात्र था, अब इसका ही बना देंगे हम लोग, क्या बनाए, आई वाज। अब प्रिय का अंग्रेजी तो आपको आना चाहिए ना, अगर नहीं आता तो दिक्कत है फिर, तो आई वाज अ, प्रिय का होता है डियर, आई वाज अ डियर स्टूडेंट, या आई वाज अ डियर शिष्य का पीपिल भी होता है, तो आप स्टूडेंट कर दो, तो आई वाज अ डियर स्टूडेंट, आई वाज अ डियर स्टूडेंट। बस देखो बच क्या गया, मैं एक प्रिय छात्र था, क्योंकि मैं किसी को जोड़ ही नहीं रहा, सिंपल के किसको जोड़ा, उस स्कूल के, मैं स्कूल, मतलब है इसको नहीं, तो जो बच जाए उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो बच गया वो उसे बना देना है। तो मैं एक प्रिय छात्र था, तो आई वॉज, मैं था, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट, मैं एक प्रिय छात्र था, कहां था भाई, का, तो का क्या हो जाएगा, ऑफ, क्या भाई, एक मेहनती शिक्षक का, तो का ऑफ हो गया, तो एक मेहनती शिक्षक, एक वैसे ऐसे मत बोलना कि शिक्षक मेहनती एक, नहीं, यहां से लेकर, चूंकि शिक्षक हो गया नाउन, और इसी नाउन का ये बता रहा है एडजेक्टिव, क्वालिटी बता रहा है, तो आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ अ, मेहनती का होता डिलीजेंट, डिलीजेंट डिलीजेंट टीचर, ठीक है, और फिर आ गया का ऑफ उस स्कूल, दैट स्कूल, अगर फाइनल क्या बना, आई वॉज अ डियर स्टूडेंट ऑफ अ डिलीजेंट टीचर ऑफ दैट स्कूल, राइट। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं, यहीं पे जो है उस स्कूल को कर दूं इस स्कूल, राइट, था को कर दूं है, दिख रहा है आपको, तो क्या कर दूंगा, कुछ नहीं, आई एम कर दूंगा, वाज को क्या कर दूंगा, एम, आई एम अ डियर स्टूडेंट ऑफ डिलीजेंट टीचर ऑफ दैट, वो कर दूंगा दिस,
हो गया। तो आप सेंटेंस हो क्या है, घबराना नहीं है, जितना मन करता हो उतना सेंटेंस आप बोलो, बस इसको फॉलो करो, क्योंकि बिना कनेक्टर्स का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस है तो कनेक्टर्स होगा ही होगा, इसको फॉलो करिए। और पूरे भारत में हर बच्चे को इसको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा अंग्रेजी से हिंदी नहीं कर पाता, अंग्रेजी बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, और बिना सेंटेंस के ना तो आप लिख पाओगे ना बोल पाओगे। अभी और वाक्य देखते हैं, जो जितना ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, मैं एक दे दूंगा आपको उससे रिएक्शन नहीं हुआ, मैं चाहता हूं कि जितना मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। और मैं दिखाना क्या चाहता हूं, दिखाना चाहता ये हूं कि क्या बिना कनेक्टर्स के सेंटेंस हो सकते हैं क्या? ना बाबा ना, बिना कनेक्टर्स के सेंटेंस नहीं होंगे। सेंटेंस है तो कनेक्टर्स होगा ही होगा। जैसे देखो, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, तो गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। तो जहां भी सेंटेंस होगा उसमें कोई ना कोई कनेक्टर्स होगा, का के की होगा, में अंदर भीतर होगा, पर या ऊपर होगा, तो कोई ना कोई कनेक्टर्स होगा। और जहां कनेक्टर्स मिले पकड़ लेना है और पकड़ के पीछे से चल चलना है। जैसे मिल गया हमको में, तो में को ऐसे बनाएंगे भाई। अब यहाँ के की बात कौन है, तो गरीब, यहां देख रहे हो महिला शिक्षा, यह तो मिल गया शिक्षा के क्षेत्र में पीछे। अब देखो पीछे कौन है, तो गरीब महिला पीछे है, कहां भाई, तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो जहां से जितना मिलेगा, यानी इतने का अंग्रेजी भूल जाओ, इतने का अंग्रेजी हम बाद बनाएंगे, पीछे चलेंगे। तो पहले क्या चलना है, गरीब महिला। और आप ही बताओ गरीब महिला का अंग्रेजी क्या होता है, तो गरीब का पता होगा आप बना सकते हो कि पुअर वुमेन, चाहो तो द लगा सकते हो, तो हो गया द पुअर वुमेन। ठीक है, और साफ लिख देता हूं, द पुअर वुमेन है का अंग्रेजी इज, पीछे का या तो बैकवर्ड कह सकते हो या तो बैक कह सकते हो, तो द पुअर वुमेन इज बैक, गरीब महिला पीछे है। कहां भाई, इन में कहा हो गया, तो इन क्षेत्र, इन द फील्ड, इन द फील्ड, फिर का के की का अंग्रेजी ऑफ है ना, शिक्षा का एजुकेशन। इतना बढ़िया टेक्निक है कि अगर एक बार आपने सीख लिया तो फिर दुनिया का एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ ना, कोई भी हिंदी का न्यूज पेपर लेके बैठ जाओ ना आप, कोई भी हिंदी का कोई भी मैगजीन लेके बैठ जाओ और ट्रांसलेट करो, आपसे 99.9% सही रहेगा। हजार मेथड है, लेकिन मैं दे रहा हूं सबसे आसान मेथड। सबसे आसान मेथड आपको सबसे स्ट्रांग मेथड बना देगा और आपकी अंग्रेजी बिल्कुल लॉलीपॉप हो जाएगा। बस एक बार करके देखो, चल के देखो। हमने क्या बोला, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, द पुअर वुमेन हो गया सब्जेक्ट, पीछे है, क्योंकि पीछे है कौन, कौन है पीछे, गरीब महिला, तो द पुअर वुमेन इज बैक, कहां भाई, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे देखो, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है, तो देखो की मिल गया ना, तो की को हम छोड़ देंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब इतने का अंग्रेजी हम बाद बनाएंगे, तो जीवन एक अनवरत कहानी है। तो जीवन का क्या होता है, लाइफ, तो लाइफ इज एन, अब लाइफ एक, एन हो गया एक, अनवरत कहानी, एवर लास्टिंग, तो एवर लास्टिंग क्या होता है, अनवरत, जो कंटिन्यू चल रहा हो। तो लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी, लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी, किसका भाई, का के की, ऑफ संघर्ष का अंग्रेजी स्ट्रगल। ठीक है, तो क्या बना, जीवन एक अनवरत कहानी है, तो लाइफ इज एन एवर लास्टिंग स्टोरी ऑफ संघर्ष का स्ट्रगल। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद ढूंढना है क्या अदर वर्ड क्या है,
तब आपका एनर्जी, फिर कनेक्टर्स ढूंढो और कनेक्टर्स के बाद बस पीछे से चल दो, थोड़ा आगे से चल चलो, अंग्रेजी आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है उसको आगे से, फिर देखिए कि उसमें कनेक्टर्स कहाँ है, और पीछे से जहाँ पे होता है वहाँ पे जोड़ दीजिए, अंग्रेजी आपका बहुत आसान हो जाएगा, लिखना भी, बोलना भी, पढ़ना भी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।